हाँ सर, तो अब आप लोगों ने पार्टनरशिप का दूसरा वीडियो भी देख लिया, अब बारी है तीसरे वीडियो की। सर सुनिएगा सेक्शन नंबर 23 क्या बात करता है। सर हम लोग 21 से शुरू करेंगे, सॉरी, जैसे आपने 13 के ई में पढ़ा था वैसे ही 21 बोलता है। ये पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू है, पार्टनर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है कि इमरजेंसी पे मैंने जो भी खर्चा किया है वो खर्चे का पैसा मेरे को दे दो, फर्म को बोल रहा है। 13 ई में फर्म बता रहा था हम देंगे, पार्टनर यहाँ पर कन्फर्म कर रहा है। फिर आता है सर सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 क्या बोलता है, क्या होता है इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। सर जब एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है, उस दिन से फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ही बिकम्स लायबल टू द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय अदर पार्टनर्स। फिर आता है सर सेक्शन नंबर 24, इफेक्ट ऑफ नोटिस ऑफ एक्टिंग पार्टनर। सर अगर सेक्शन नंबर 24 में एक पार्टनर एक नोटिस देता है, ठीक है, एक पार्टनर एक नोटिस देता है, तो वो नोटिस एक्टिव पार्टनर द्वारा दी जा रही है, वो क्या चीज की नोटिस होती है, ठीक है, क्या चीज की नोटिस होती है, वो बस ये बोल रहा होता है कि अफेयर्स ऑफ द बिजनेस कैसे हैंडल किए जाएंगे। ठीक है, अगर नोटिस टू एन एक्टिव पार्टनर इज लाइक नोटिस टू द एंटायर पार्टनरशिप फर्म, अनलेस वो एक्टिव पार्टनर खुद किसी तरह के फ्रॉड में पार्टिसिपेट ना किया हो, अवॉइड ना किया हो, अबेट ना किया हो। ओके, नेक्स्ट। फिर आता है 25 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर। आप 25, 26, 27 ध्यान से सुनिएगा। 25 बोलता है ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ अदर पार्टनर्स, मतलब एक की गलती के लिए भी बाकी सब रिस्पॉन्सिबल हैं। 26 बोलता है लेकिन अगर वो एक्टिविटी अथॉरिटी के अंदर रह के किया गया और पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए किया गया, तब फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा, पार्टनर्स नहीं। 27 में बोलता है कि अगर कोई पैसा बोरो किया, इफ एनी मनी इज बोरोड इन द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उसको चाहे एक पार्टनर मिस अप्रोप्रिएट करे या ऑल पार्टनर्स मिस अप्रोप्रिएट करे, फर्म ही रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि फर्म के नाम पर किया गया। फिर आता है सेक्शन नंबर 29, मेरा फेवरेट सेक्शन, ट्रांसफरिंग। सर क्या आप अपना इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म में किसी दूसरे को सेल, मॉर्गेज या चार्ज पर दे सकते हैं? द आंसर इज यस। लेकिन जो ट्रांसफरी होगा उसके राइट सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने को होंगे। कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, कैन नॉट चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, कैन नॉट इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज वेल। लेकिन जिस दिन पार्टनरशिप फर्म बंद होगा, ही इज एंटाइटल्ड टू चेक द बुक्स एंड इंस्पेक्ट द बुक्स टू डिटरमाइन हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ये वर्ड याद रखना, शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, दैट इज द की वर्ड। फिर आता है सर सेक्शन नंबर 30, माइनर के क्या राइट है। तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या माइनर एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? नहीं नहीं, अभी नहीं, नहीं बन सकता। पर वो क्या बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म में? हाँ बेटा हाँ, बिल्कुल बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म में। अब बेनिफिट्स में वो प्रॉफिट शेयर करेगा? यस। लॉस शेयर करेगा? नो। बुक्स चेक करेगा? हाँ। बुक्स इंस्पेक्ट करेगा? हाँ। क्या पार्टनरशिप में रहकर पार्टनर्स पर केस करेगा? नहीं नहीं। लेकिन जिस दिन वो मेजर बनेगा उससे 6 महीने के अंदर उसको डिसाइड करना है कि क्या वो मेजर पार्टनर बनना चाहता है, पार्टनरशिप फर्म के साथ कंटिन्यू करना चाहता है, कि वो ये रिश्ता नाता यहीं खत्म करना चाहता है। अगर वो 6 महीने के एंड में कुछ नहीं बोलता, देन वो पार्टनरशिप फर्म आगे बढ़ जाएगा और वो पार्टनर मेजर पार्टनर बन जाएगा, वो माइनर भी। सर माइनॉरिटी के पीरियड में उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती, लेकिन एक बार अगर एक माइनर मेजर पार्टनर बन गया तो जिस दिन से वो माइनॉरिटी में घुसा था उस दिन से लेके एंड तक के डे में हर एक्टिविटी के लिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है सर सेक्शन, अब एक लड़ी शुरू होती है 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है, जिसको मैं ऐसे बोलता हूं, पहले एक पार्टनर आता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर 30 रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, रिस्पॉन्सिबल कब होगा? आफ्टर द डेट ऑफ एडमिशन फ्रॉम द फर्म। फिर एक पार्टनर को निकाल खुद से चला जाता है, सेक्शन 32 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट के लिए आपको क्या करना है? एक पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी है, पब्लिक नोटिस की डेट से आपकी रिटायरमेंट वैलिड होगी। सर रिटायरमेंट के बाद से क्या आप किसी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? नहीं। लेकिन रिटायरमेंट के पहले जो किया उसके लिए हाँ, लेकिन उसमें भी आप सामने वाली पार्टी के साथ एक अग्रीमेंट करवा के अपने आप को सेव कर सकते हो। ठीक है, अब या तो आप रिटायर हो जाओगे या आपको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। एक्सपल्शन, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर कब हो सकता है? तीन चीज, मेजॉरिटी, ठीक है, एम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, एग्रीमेंट में लिखा है, और जी गुड फेथ में, जेम है, जेम, जी ई एम, जेम। साथ ही साथ गुड फेथ प्रूव होना चाहिए, जिसके लिए नोटिस देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए, तो ये हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। अब या तो आप खुद से जाओगे या आप निकाल दिए जाओगे। देखो सर, काम जाने के बाद आदमी क्या हो जाता है? गरीब। ठीक है, तो अब आती है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब जब आपके एसेट्स आपकी लाइबिलिटी से, एसेट्स आपके लाइबिलिटी से कम है। ठीक है, तो अब आप इंसॉल्वेंट हो गए। जिस दिन आप इंसॉल्वेंट होते हो, अगर डीड साइलेंट है, दैट द पार्टनरशिप फर्म इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड।
फिर आता है सर सेक्शन नंबर 35 डेथ। देखो सब आदमी गरीब होता है फिर मर जाता है। डेथ और इंसॉल्वेंसी के केस में कोई पब्लिक नोटिस नहीं चाहिए। डेथ के केस में भी आपकी लायबिलिटी उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन आप पार्टनरशिप फर्म से बाहर निकलते हो। फिर आता है सर सेक्शन नंबर 36 जो बात करता है सर कि क्या आप कंपेटिटिव बिजनेस कर सकते हो पार्टनरशिप छोड़ने के बाद। यस, छोड़ने के बाद, हाँ सर, लेकिन आपको पार्टनरशिप फर्म का नाम नहीं यूज करना, ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करना कि आप पार्टनर हो, और उनके क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं करना, मतलब आपको SRN नहीं करना। फिर आता है सर सेक्शन नंबर 37, ये कब दिया जाता है, जब कोई पार्टनर डेथ कर जाता है, ठीक है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई किसी रीजन की वजह से, या मतलब मर गया ऐसा हो सकता है, या अगर वो रिटायर कर रहा है और उसको हम लोग लमसम पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसको दो चॉइसेस मिलती है, एक फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में शेयर कर ले इन द अग्रीड रेशियो, या दूसरा फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में शेयर कर ले इन द अग्रीड रेशियो, या दूसरा, दूसरा सबसे ज्यादा सही है कि सर आप अपने अमाउंट को लोन मान लो एट 6% इंटरेस्ट में, लेकिन अगर मान लीजिए कोई पार्टनर आपका हिस्सा बाय आउट करना चाहता है तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है कंटिन्यूइंग गारंटी। सर कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब कि जब पार्टनर्स ने एक अग्रीमेंट किया है कि ऑल पार्टनर्स हैव एंगेज इन एन अग्रीमेंट कि सर एक पार्टी के साथ हम लोग अगले 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, लेकिन अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायर कर जाता है तो होता यह है कि वो कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाती है, ठीक है, अनलेस डीड में ऐसा ना प्रोवाइड किया गया हो कि वो आगे भी कंटिन्यू करेगी। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये सीरीज में मजा आ रहा होगा। ये पार्टनरशिप के एक और वीडियो बचा है जिसमें हम लोग लास्ट यूनिट को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, नीचे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।